Assalamu alaikum, salam, and welcome to yet another exciting episode of Time Out with Ehsan Khan. उम्मीद करता हूं आप लोग जहां जहां भी हैं सब बिल्कुल खैरियत से हैं और खुश बाश हैं. जनाब, एक रिसर्च जो मैं पढ़ रहा था और मैं बड़ा हैरान हुआ कि 1992 में सिंगापुर की बड़ी तारीफ की जाती है कि बहुत खूबसूरत शहर है, बहुत प्यारा शहर है, बहुत महंगा शहर भी है. 1992 में वहां पे एक बैन लगा दिया गया था. किस चीज पे? च्युइंगम खाने से. यानी लोगों को मना किया था कि वो पब्लिक प्लेसेस पे जब चल रहे हों या बैठे हों कि किसी बेंच पे तो च्युइंगम नहीं चबा सकते. किस लिए? कि अक्सर लोग च्युइंगम फेंक दिया करते हैं, बेंच के नीचे लगा दिया करते हैं, ज़मीन पे गिरा होता है, उनको सफाई करने में बहुत इशू होता. तो उसके साथ साथ एक और वजह ये थी कि जो चिड़ियाँ होती हैं, बर्ड्स, वो ये सोचती हैं कि कुछ खाने की चीज़ है, आके उस पर चोंच मारती हैं, फिर उसके चोंच में च्युइंगम चिपक जाती है और उससे बहुत नुकसान होता है, मर भी जाती हैं. तो जनाब, कितनी खूबसूरत बात है कि दूसरों का ख्याल रखते हैं, सफाई का ख्याल रखते हैं, जानवरों का ख्याल रखते हैं. अब हम क्या करते हैं? हम जहाँ जाते हैं वहाँ देखते कि अपनी एक निशानी छोड़ के आते हैं, पान की पीक फेंक के आते हैं या कुछ ना कुछ कचरा मचा के आते हैं. मैं पब्लिक प्लेसेस से जब गुजरता हूं, पार्क्स के पास से गुजरता हूं, देखता हूं इतने शॉपर बैग्स, इतने थैले, इतने खाने पीने की चीजों के डब्बे, इतना गंध, इतनी गलाजत. तो अपने मुल्क को खुदा के लिए साफ कीजिए. जरूरी नहीं कि हम पे कोई किसी चीज का बैन लगे या कोई हम पे इम्पोज करे गवर्नमेंट, तो फिर ही हम उसको फॉलो करेंगे. कुछ हमारी अपनी पर्सनल मॉरल ड्यूटी भी होती है. तो जनाब, अब बढ़ेंगे आगे और आपको मिलवाएंगे आज के जो दो जबरदस्त हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं. सुपर टैलेंटेड है, बहुत प्यारे लोग हैं, हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं. लेकिन एक ब्रेक के बाद मुलाकात करेंगे. छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए Time Out with Ehsan Khan. Janab, welcome back to Time Out with Ehsan Khan. Aur ab waqt आ गया है कि हम आपको आपके फेवरेट सेलिब्रिटी से मिलवाएं. तो विदाउट एनी डिले, लेट्स इनवाइट द गॉर्जियस मंशा पाशा. हेलो 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 मंशा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ. हाउ आर यू एसन? आई एम गुड, लुकिंग ग्रेट, थैंक यू, अल्लाह का शुक्र. बेस्ट फ्रेंड कौन है इस फील्ड में? बेस्ट फ्रेंड अभी आ रहा है इसी में. ही इज वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, जो कि बहुत लोगों को पता नहीं है दैट ही इज वन ऑफ माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री. बता दूं आपको, इंट्रोड्यूस नहीं करना. वी डोंट हैव हिम ओवर हियर. जिसको आप बेस्ट फ्रेंड समझ रहे हो वो यहां पे नहीं आया. एसन, जस्ट बिकॉज़ मैंने आपका नाम नहीं लिया इसका ये मतलब तो नहीं कि अब आप बुरा मान जाए. बिल नहीं, मेरा नाम क्यों लोगे? मैं एक साल बाद मिल रहे यार. साल? हाँ, डेढ़ साल बाद. उससे भी ज्यादा. किसी इवेंट पे मिले थे बस लास्ट, जिसमें बहुत अच्छी लग रही थी मंशा, इसलिए मुझे याद रह गया वो इवेंट. थैंक यू. इवेंट नहीं याद किस चीज का था, मंशा याद है. अच्छा खैर, एनीवे, बुलाएं आपके बेस्ट फ्रेंड को? बुलाएं जी, बिल्कुल. बेस्ट ही है. ही इज वन ऑफ माय बेस्ट. एक तो ऐसे कई लोग होते हैं उनकी याद होती है, हर एक को बोलते हैं वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है. एक नहीं, तो नहीं, इनका ये है कि मेरे जो जिंदगी के एक माइलस्टोन्स रह चुके हैं पिछले तकरीबन 7 साल जो मैंने इंडस्ट्री में गुजारे हैं और पर्सनल लाइफ में भी. सो ही हैज सीन मी उन सारे फेजेस, जो अच्छे थे जो बुरे थे. तो मैं कहती हूँ ऐसे लोग फिर आपके करीब ही रहते हैं. इज ही अ गुड फ्रेंड? He is a good friend. And he's a wonderful actor also. बहुत लोग पसंद करते हैं, बहुत लोग देखते हैं. Please welcome Noor Hassan. क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, जबरदस्त. Good to see you. मैंने कहा शायद मंशा को मालूम नहीं कि आज कौन आ रहा, तो मंशा को सरप्राइज देंगे. लेकिन उसको तो सब बताया हुआ था नूर ने. ये देखिए हर बात मतलब शेयर होती के हम लोग स्टूडियो के एक ही कॉर्नर से आ रहे थे और हम एक दूसरे को टेक्स्ट भी कर रहे थे कि अच्छा तुम घर से निकले, अच्छा नहीं, अच्छा मैं आ रही हूं. देखो यार, मेरा सारा इंट्रो जो है ना वो मैंने कहा यार आज लड़की को सरप्राइज देंगे. पहले मैंने सोचा था कोई और सरप्राइज देंगे, फिर मैंने कहा अच्छा बेस्ट फ्रेंड आ गए. सब पता है भाई, क्या एक दूसरे से इतना कुछ शेयर करते हो दोनों के एक एक चीज एक एक पॉइंट पे मालूम होता है. एक्चुअली दोस्ती अब उस पॉइंट पे आ गई कि अब शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती. एक्चुअली एक्चुअली हो गया कि बिकॉज़ आई थिंक
वही मैं कह रही हूँ ना कि आपने जब एक एक इंसान को बड़े एक डिफरेंट फेजेस से देखा होता है तो आपने बस उसकी पर्सनालिटी पढ़ ली होती है एक मैप की तरह ना, अब आपको समझ आ गया है कि कौन सी चीज किस तरफ जाएगी. तो अब हम लोग सारे काम में बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, एवरी टाइम वी स्पीक टू ईच अदर वी लाइक ओ लेट्स जस्ट कैच अप, एंड व्हेन वी एक्चुअली कैच अप देयर इज नॉट मच टू टॉक बिकॉज़ वी ऑलरेडी नो सो मच अबाउट ईच अदर. हां ये फोन पे भी पता लगता रहता है सब कुछ, फोन पे भी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. एवरीथिंग. डिड यू गाइस लिव क्लोज बाय शादी, मंशा की शादी से पहले यू गाइस लिव्ड क्लोज बाय? हम सब इसी एरिया में ही रहते हैं, आपका भी घर आगे पीछे ही होगा. हाँ कोई अच्छा. इतना भी दूर नहीं है. He lives in the city. He's from Islamabad, but हाँ. But he lives here, nah? He lives here. I've been living here for the last 12 years. And I've spent a lot of time at his place. मतलब एक वक्त था जब मुझे, मैं अभी जब recently आई थी at Noor's place, मैं याद कर रही थी कि यार एक वक्त था मैं हफ्ते में 3-4 दिन यहीं पे होती थी. I would go every other day and chill at his house. And we're such good friends कि जब भी ज़िंदगी में कुछ नया try करना होता है ना, जो हमारी जो for example I started playing badminton, सबसे पहले थे मंशा, I'm loving playing badminton. Please come, आजो आके खेलते हैं. Please come and let's play badminton. मैं भी गई, जिब्रान भी गए, इनकी अम्मा से भी मुलाकात हुई उनकी. Oh, that's very cool. अच्छा एक अजीब बात है कि normally पाकिस्तान में ना लड़के और लड़की की दोस्ती को ना समझते नहीं है लोग. यानी इस सेंस में नहीं, मतलब generally भी अगर कोई इस तरह close friends हो, like you're a married girl now, and then also a few at times a husband won't understand कि ये male दोस्त जो है वो best friend है. तो इसमें कोई कभी problem तो नहीं हुई? नहीं नहीं, उनकी भी बहुत दोस्तें हैं जो दे आर गर्ल्स, एंड मेरी भी बल्कि उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती है. एंड देन आई हैव माय मेल फ्रेंड्स हु ही इज आल्सो वेरी गुड फ्रेंड्स विद. तो ये एक फैमिली. हाँ ऐसा कोई वो है ही नहीं कि मतलब ये लड़का है, जेंडर ओरिएंटेड दोस्तियां नहीं होती. आपको अपने कंपेनियनशिप की सिलेक्शन तभी करनी चाहिए जब आपको ज्यादा अंडरस्टैंड, अगर आपको ये बताना पड़े कि यार ये करना पड़ेगा, दोस्त कौन है और आपके क्या डायनामिक्स हैं, फिर तो आई थिंक फ्लॉड कंपेनियनशिप. एंड आई थिंक लड़के भी इस मामले में काफी तेज होते हैं. आप लोगों को हर तरीके से पता चल जाता है कि यार ये दोस्त ही है, यू नो. सो देयर इज नो, यू नो, वो फिर बहुत ही अजीब किस्म के, वो फिर बहुत ही कोई अजीब शक्की किस्म के मर्द होंगे जो होंगे इससे भी बात नहीं करना. वो वेयर ओके, आई वांट टू आस्क यू अ पर्सनल क्वेश्चन. हां प्लीज गो अहेड. डू यू जज पीपल जब आप एक मेल एक्टर और फीमेल एक्टर की बहुत ज्यादा तस्वीरें साथ साथ देख रहे होते हैं, एंड बीइंग पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, डू यू से आई पर्सनली डोंट बट अ लॉट ऑफ पीपल डू. A lot of people do. जब आप देखो एक आई थिंक एक रिलेशनशिप दोस्ती का जो होता है वो नजर आता है कि दोस्ती है, एक बहुत क्लोज अफेक्शन जो होती है वो भी कभी कभी तस्वीरों में दिखाई दे रही होती है. सो अ लॉट ऑफ टाइम्स यू हैव टू बी बिकॉज आपका एक पहलू देख रहे होते हैं ना लोग सामने स्क्रीन पे, एक पहलू देख रहे हैं उनकी पर्सनल लाइफ. हाँ, आपकी पता है बहुत लाइक यू सेड कि मैंने इसके साथ इतना टाइम गुजारा. आप लोगों को कभी, मैं उनको ब्लेम नहीं करती. लाइक आई हैव हैड क्लोज यू नो मेल एक्टर्स जिनके साथ मैंने काम किया, और फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके साथ एक आपका फॉर्मल रिलेशनशिप रहता है, और फिर कुछ फिर ऐसे होते हैं जिनके साथ आप काफ़ी क्लोज हो जाते हैं इन योर फ्रेंडशिप, एंड यू नो आप एक दूसरे को समझने लगते हैं, स्पेशली जब आप प्रमोशंस वगैरह कर रहे होते हैं फिल्म के दौरान. तो उसमें होता है कि बिकॉज आपका इतना कंफर्ट लेवल होता है कि लोग गलत समझ लेते हैं ना उस चीज को, उनको लगता है कि अच्छा शायद इनके बीच में कुछ है. लेकिन यूजली एक्चुअली क्योंकि मैं इस किस्म की हूँ, लोग आके मुझसे मुंह पे मेरे पूछ लेते हैं आप लोगों का आर यू गाइज टुगेदर, एंड आई एम जस्ट लाइक दिस इज बैक व्हेन आई वाज सिंगल, ऑब्वियसली नॉट एनीथिंग नाउ, बट बैक व्हेन आई वाज सिंगल एट दैट टाइम पीपल यूज्ड टू लोगों को थोड़ा सा ना जब अपनी लाइफ थोड़ी सी इतनी स्पाइसी नहीं होती तो लोग दूसरों की लाइफ में स्पाइस अप होना ढूंढते हैं. माय रिलेटिव्स कॉल मी, मम्मी को फोन करके पूछ रहे हैं कि वो सुना है कि नूर हसन की सनम चौधरी के साथ शादी होगी, यार हमें नहीं बुलाया. मतलब वाज लाइक ऑफ कोर्स अगर होती तो बुलाते ना, मतलब इतना हाइड अप करके क्यों करेंगे. बट दैट्स आल्सो अ गुड थिंग इन अ वे दैट पीपल आर सो इंटरेस्टेड इन यू, बिकॉज़ शोबिज में जब आप लोगों को को लोग पसंद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, और फिर आपका काम देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, फिर उनको पर्सनल लाइफ का बहुत वो भी इंटरेस्ट होता है. हां देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट. सही है. अच्छा हम लोगों ने जो लास्ट एक प्ले किया था सकीना समो का, उस प्ले में यू लाइक वी ऑल वर टुगेदर, आयशा वाज विद अस आल्सो. सो वाज दैट when you guys were very close friends at that time also? Since before that we were bhi pehle ke dost hain. I think our major driving force to be in that project was ki hum log ek dusre ke sath kaam karenge. Acting ka passion kab se hai Noor, matlab hamesha se raha? I think develop hua hai sath sath. I always wanted to be a music composer. Mujhe south indian music bahut zyada inspire karta hai, so mujhe hamesha ye pata tha ki I'll be famous one day, but mujhe lagta tha thoda sa aur creative end pe, maybe into direction as well. I still feel that I might make a better director than an actor, lekin ab pichle last 12 years that I've been acting for,
अब जब समझ आना शुरू है तो आई रियलाइज कि यही मेरी ट्रू कॉलिंग है, क्योंकि अब जितना मुझे मजा आता है एक्ट करके, आई डोंट थिंक सो आई वुड एंजॉय एनीथिंग एल्स. ओके, वंडरफुल, दैट्स ग्रेट. अच्छा, व्हाट डू यू, व्हेन यू साइन अ प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट जो आते होंगे, मतलब दो तीन चार पांच अक्सर ऑफर्स आती रहती हैं, सो उसमें क्या पहली चीज होती है जो देखते हो कि यार मैंने ये कर लूंगा, ये पहली चीज क्या होती है? या मेरे लिए ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जब स्क्रिप्ट आते हैं ना, आई डोंट इवन लुक फॉर के कैरेक्टर कितना बड़ा या छोटा है. मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उस कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस स्क्रिप्ट में कितनी है. क्या उसके बगैर स्क्रिप्ट कैन बी कंप्लीटेड? अगर हो जाता है देन आई ट्राई नॉट टू डू इट, अनलेस अगर उसका इन्फ्लुएंस जब तक हो. हां हां, कि उसकी एक उसका, ही इज एक्चुअली प्लेइंग अ कैरेक्टर इन द स्टोरी टेलिंग, सो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी. आल्सो कंफर्ट जोन जरूरी है कि साथ दोस्त, मतलब अच्छे जानने वाले लोग हों, एक कंफर्ट कंफर्टेबल एक एनवायरनमेंट हो, अच्छा मजा आएगा सेट पे. आई थिंक, वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक शुरू में द आइडिया इज वेरी अपीलिंग, लेकिन जब आप बहुत एक दूसरे को जानते हैं ना, प्रोफेशनली आपकी ना कुछ लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं. इफ यू आर वर्किंग विद एन एक्टर एंड इफ आई एम नॉट कंफर्टेबल विद समथिंग ऑफ द अदर एक्टर, तो आप प्रोफेशनली उसको डील करते हैं. जब दोस्त होते हैं ना, समवेयर यू हैव टू, मुझे लगता है कि इट ऑलवेज, फॉर एग्जांपल, मेरे लिए सबसे टफेस्ट मंशा, सनम चौधरी के साथ मैंने मूवी भी की, बड़े अच्छे अच्छे ड्रामे भी किए. आई ऑलवेज यूज टू फाइंड के यू आर इन अ टफ स्पॉट, क्योंकि आपके दोस्त भी हैं एंड देन ऑल्सो यू आर अ प्रोफेशनल एट द सेम टाइम. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हैं और आप शूट पे लेट आते हैं, आई कैन कंप्लेन टू द प्रोडक्शन कि यार क्या एक्टर देर आ रहा है. जस्ट इन केस, जस्ट इन, या हाइपोथेटिकली अगर मंशा देर से आती है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, आई कांट कंप्लेन, कैन नो, मैं चेक कर रही हूं. वो होता है कि आपको, इवन इफ यू आर वर्किंग विद अ फ्रेंड, रिमेंबर टू, आपको ये याद रखना है कि वो एट दैट मोमेंट यू आर अ कॉलीग, और आप उनको फॉर ग्रांटेड नहीं लें, जैसे हम अपने घर वालों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं दोस्तों को. हां, ये भी, तो आपको ये बड़ा याद रखना होता है. बेहतर है कि आप दोस्तों के साथ काम जरा कम करें. हां, लाइक अभी मेरा जो इशू हुआ था लेंस का, तो मैं इसको बार बार कह रही थी, आई एम सो सॉरी नूर, यू नो, लाइक मेरी वजह से डिले हो रहा है, यू नो, तो इट्स, वरना ही होता ना, मेरा बार नहीं कहा. मैंने बोला मैंने एक घंटा वेट किया नूर, मंशा की आंख ठीक हो जाए, आंख ठीक हो जाए, तो मुझे तो नहीं बोला, ऐसा डिले हो रहा है मेरी वजह से. आप मुझे पता है ना कि आपको तो ये करके ही जाना है ना, उसका तो ये होगा, उसका तो ये होगा कि मैं आया ही क्यों था, मैं चला जा रहा हूँ दो घंटे के लिए. क्या कर रही है, ठीक है. अच्छा मंशा, शादी हुई रिसेंटली, मतलब अब तो कुछ टाइम हो गया है, सो हाउ इज योर फैमिली लाइफ राइट नाउ? आई वॉन्ट यू टू टेल पीपल कि लोग जाने कि मंशा अपनी पर्सनल लाइफ में किस तरह टाइम गुजारती है घर में. आई थिंक बिकॉज यू नो मी एंड जिब्रान, वी बीन टुगेदर फॉर अ वाइल, देन वी गॉट एंगेज्ड ऑल्सो, तो उसकी वजह से हमारा बड़ा एक नेचुरल किस्म का एक progression है. There's no as such इतना कोई feel नहीं हुआ because उनकी अम्मा से we are like friends, but like मेरी उनके खानदान से भी काफी अरसे से मुलाकात you know हो चुकी है. मैं उनके you know उनकी सारी फैमिली से you know हर ईद पे मैं जाती हूँ, जहाँ उनके extended family है, उनसे, उनके साथ, जिब्रान के साथ, और ये तकरीबन अब 2 साल हो गए हैं इस बात को. तो उनकी बहन, उनकी अम्मी, everything, you know, so it's everything has fallen into place. तो ऐसा मुझे नहीं लगा कि कोई बहुत ही मेजर चेंज आया. यू नो बहुत लोगों को हुआ कि अच्छा अभी मंगनी हुई है, अच्छा अभी निकाह हुआ है, बट आई फाइंड दैट टू बी वेरी नाइस कि हमारा बड़ा एक नेचुरल प्रोग्रेशन हुआ. ऐसा नहीं हुआ कि अच्छा एंगेजमेंट नहीं होनी चाहिए क्योंकि फिर शादियां नहीं होती हैं. यू नो मोस्ट पीपल थिंक दैट कि एंगेजमेंट कर लिए तो इसका मतलब है आप निकाह कर लो, क्योंकि वरना एंगेजमेंट के बाद शादी नहीं हो पाएगी, एंगेजमेंट टूट जाएगी. दे मेक अ परफेक्ट कपल. यू नो नॉर्मली आप लोगों की शादियां होती हैं, आई नो हाउ strong she is over here, like marshall she's very headstrong. Mujhe Jibran ka bhi pata hai kitna acha. And when for the first time when she told the whole thing to me, and I was like, oh my god, it's like a puzzle, perfect fit. But normally aap logo dekhte hain, aapko yeah okay, let's see if it works out or not, but this one I knew that is going to work out. Inshallah. So tell me, just in your personal life, who do you think is more demanding, you or your husband? I think we demanding in what sense? Anywhere, it could be any, maybe
more attention, maybe more love. I think I'm more demanding. Yeah? In the sense, are you more emotional? Are you more emotional? No, he's more emotional. Okay, okay. Emotional zyada woh hai, shayad demanding zyada main hoon, in the sense ki main agar woh kaam kar rahe honge to main baithi bhi hoongi and I'll be like, yaar bas bhi kar dein ab, zara itni der se aap lage hue. In that way, I'm more demanding ki acha aap, attention dein, aap mere se baith ke baatein karein. He's, he's much more chilled out in that respect. Usko hai ki haan, matlab actually said he does not require everyday attention. I require everyday attention. That's very important. That's very everyday important. Everyday attention. Okay, Noor, do you plan to get married yet recently? Or you want to do something like that? No plan in your life. Is there a plan in your life? Okay, that's the best part. I never plan. Achha, best I don't part, want to marry because I have certain expectations. If I have to do this, then do it. I think these things just happen and jab time kar lenge, jab acha lagega kar lenge. I don't think so ki main kisi decide karne ke baad I look for a person. I think I'll meet a person and then I'll decide this is how it should be. I think your person companionship, let's just go ahead with this. So I think that's where I am. Quite convenient, quite easy. And it's supposed to be convenient. It shouldn't be. काफी लोगों के लिए ऐसा नहीं है हमारे ऐसा नहीं है. I think जो लोग अपने वालदैन का सोच के जल्दी शादी करते हैं ना उनके लिए ऐसा नहीं है क्योंकि उनके पेरेंट्स वालदैन को तो सोचना चाहिए मनशा वालदैन का पेरेंट्स को भी तो बच्चों का सोचना चाहिए आप जबरदस्ती थोड़ी रिलेशनशिप्स बना सकते हो कि बस करो 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 लेकिन मां-बाप भी तो कहते हैं ना कि हम तुम्हारे लिए बहुत बेहतर सोचते हैं नहीं मां-बाप है आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं कि हमारे मरने से पहले कर लो और उनको नहीं मरना होता है ये डेडलाइन मुझे ब्लैकमेल उनको देना होता है ये डेडलाइन अम्मी ने ये डेडलाइन होती है वैसे भी मुझे कहते हैं कि मेरे लिए तुम्हारी हैप्पीनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है सो तुम्हारी मर्जी ठीक है तो मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है लेकिन मेरे मरने से पहले ना प्लीज कुछ ये क्या मतलब इसका आप कैसे किसी की डेडलाइन से कैसे आप कर सकते हो मुझे नहीं समझ आती है बात ये डेडलाइन किसी नहीं मां बाप देखें जिंदगी देखें अल्लाह के हाथ में होती है और जो अच्छी चीजें होती है ना वो अल्लाह की तरफ से होती हैं आप उनको फोर्स नहीं करना तो अच्छी रखनी चाहिए उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए लेकिन फोर्स नहीं करना चाहिए लेट वेट फॉर गॉड टू गिव इट टू यू कि अल्लाह का सिचुएशन बना दे खुद अल्लाह ने इतना कुछ दिया है आपको ये भी दे देंगे जबरदस्ती जल्दी ना करें कंपेनियन इन टर्म्स ऑफ वी डू एवरीथिंग टुगेदर हम लोग टीवी साथ देखते हैं हम लोग टिकटॉक साथ बना रहे होते हैं हम लोग बैडमिंटन साथ एनीथिंग व्हिच आई डू इन माय पर्सनल लाइफ मनशा एक्टिंग में क्या हो रहा है आजकल ये बताओ मैं कर रही हूँ यासिर के साथ ही मैं एक सीरियल कर रही हूँ अभी हम यासिर की बात कर रहे थे ही इज डायरेक्टिंग द फर्स्ट टाइम एंड ही केम ऑन योर शो बल्कि मैं उनसे बात कर रही थी यासिर तो मेरे शो पे आया था तो बोलना ही बंद कर दिया उसने पता नहीं क्यों अच्छा जब मैंने बोला ही नहीं यहाँ पे मैंने कहा क्या हो गया यासिर हेलो इज दिस यासिर बिकॉज़ ऑफ इकरा और नहीं बस बिकॉज़ ऑफ मी मे बी क्या किया तुमने इंटिमिडेट किया क्या उनको बहुत अच्छा इंटिमिडेट कर दिया व्हाट डिड यू डू एसन टेल अस Tell us the behind Or the scenes what did secret. you not do? yeah. That's a good question. What did I not do? अब जाके सेट पे उनसे पूछूंगी और मुझे पता है चुप कर गया था शो में यहाँ से फिर एक स्टोरी लगाएगा और आपको टैग करेगा और मुझे टैग करेगा कि एक्चुअली यही है ये जब आएगा ना क्योंकि मैं तो क्योंकि मुझे वैसे इकरा एज एन एक्टर बहुत पसंद है और यासिर भी बड़ा टैलेंटेड आदमी है उसके जो कॉमेडी शोज हम देखते हैं उसका स्टेज वेरी वेरी टैलेंटेड सो आई मे बी I was expecting too much from Yasir. I think कभी कभी होता है मैं नूर से expect नहीं कर मुझे पता है नूर जो है वो बहुत नूर से expect नहीं इसलिए नहीं कर रहा कि खामोश रहता है ज़्यादातर और ये अपनी बहुत सी बातें नहीं बताता तो मुझे यासिर ने आपको content नहीं दिया ये आपका शिकवा है नहीं नहीं ऐसा कोई शिकवा नहीं अच्छा anyway just forget it but okay on that front मैंने ये भी note किया कि बहुत से लोग जो है ना different fronts पे different personalities होते हैं I know कुछ लोग जो कि professionally बहुत ज़्यादा humorous और funny होते हैं but आप उनसे personal life में मिले वो बात भी नहीं कर रहे होते और आप कहते हैं यार मेरा तो बिल्कुल different idea था because you come across for example इतना तो मैं उसको सौ दफा for example as you said I'm not a funny person but अगर आप मेरी TikToks देखें people feel कि मैं funny but I mentioned ना कोई hilarious हूँ and they love me for that the humor I bring in that channel right TikTok bahut sun banata hai yaar mujhe yaad aa gaya har set pe har kisi na kisi TikToks ban rahi hoti bahut zyada you know there's time I feel you're one of those actors jo ke actors acting field mein jo TikTok shuru mein sabse pehle banana shuru ki hai ab maine pehle alag ab to har koi banata hai ab to har koi karta hai ha acha manisha script mein kya dekhti ho ki kya mujhe karna hai project kis tarah ka project chahiye mujhe
या मैं इतना तो नहीं सोचती कि मुझे किस किस्म का प्रोजेक्ट चाहिए, बिकॉज अगर आप सोचने बैठ गए ना तो आपको कभी वो मिलेगा नहीं, तो आप बैठेगा ही नहीं, बिकॉज यहाँ पे देयर इज व्हाटएवर जो भी प्रोड्यूसर्स आपको कहते हैं कि जिन भी चीजों के वजह से वो जैसे ड्रामे बनाते हैं, जो भी वो डिबेट है, तो यू कांट थिंक टू मच. बट आई डू थिंक कि इतना मैं सोच लेती हूँ कि मेरा जो पिछला प्रोजेक्ट है उसकी तरह ना हो. ठीक है, घरों में अपने अपने घरों में देखो ब्रेक कब से मुझे बोल रहे, लेकिन नहीं अपने अपने घरों में अगर कभी जब बहुत एक्सट्रीमली बोर हो जाती हो क्या करती हो? बहुत एक्सट्रीमली बोर मैं कभी होती नहीं होती. आई एम वन ऑफ दोज पीपल हु कैन स्पेंड टाइम अलोन, हु कैन स्पेंड, मैं बहुत आराम से अपना वक्त लेजी हो. अच्छा, बहुत ज्यादा एंजॉय करना हो तो क्या करती हो? बहुत ज्यादा भी एंजॉय करना होता है तो मैं ट्रैवल करती हूँ, जो कि मैंने एक डेढ़ साल से किया नहीं है. फिर I'll read books, I'll watch series, I'll spend time with my friends. मैं और जिब्रान गेम्स भी खेलते हैं, बोर्ड गेम्स खेलते हैं लोगों घर पे आके. हाँ, बोर्ड गेम्स लवली, माइंड गेम्स के साथ. माइंड गेम्स के अलावा सारी गेम्स खेलते हैं. माइंड गेम्स नहीं खेली जाती मुझसे, तो नहीं खेली जाती. गेम्स के अलावा जरूरत नहीं पड़ती, वहां तक पहुंच ही नहीं सकता. माइंड गेम्स क्या खेलेगा कोई? अच्छा जरा आप एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हम अपनी गेम्स की मैं इसलिए कहने लगा था कि हमने गेम्स देखे क्या. मैंने आपको सेगवे इसीलिए तो मैंने पूछा था क्या कहते हो, गेम्स खेलेंगे. लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान. जी जनाब, वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान. वो अलग एक फिल्म चल रही, मेरी एक अलग फिल्म चल रही जेन में. वो ये दोनों को ये हो गया कि कौन मतलब कैसे झटका खाएंगे, ग्रिप सही नहीं है, क्या ये क्या हो रहा है इसका वाला करो. नहीं, हाथ लगाओ. इट्स वर्किंग. नहीं, झूठ नहीं बोलो. आज तो वर्किंग में ही झटके लगे तीन चार. Thank God I get to do this to my best friend. बिल्कुल भी झटका नहीं देता. हाँ. और मेरा वाला बहुत स्ट्रॉन्ग है और मुझे बहुत डर लगता है. चेंज कर लेते हैं. नहीं, तुम्हारी यार एहसन, यू माय फ्रेंड. मैं ऐसे झटके मारूंगी, अजीब सा नहीं लगेगा? लेट्स सी, वी माइट नॉट कम टू दैट. You guys just want to give me. अच्छा, explain what we have to do. उसके बाद देखते हैं अगर. It's very simple. Okay. You will have to reply for as Mansha. And then she'll decide कि सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है. अगर झूठ बोलेगा तो झटका. मंशा से सवाल करूंगा नूर के लिए और जब जवाब दोगी तो उसका वो वहीं पे फंस गई है झटके पे. So for this game I'm Mansha Parsh and she's Noor Hassan. Yeah, लेकिन वो फंस गई है वो बेचारी. यार बदल दे यार. अब बदल दे ना. तुम्हारा वाला नहीं है. आप बेकार. I believe in quality. ये क्वालिटी नहीं है. Just because you पांच सवालों की बात बन रही है. ठीक है, हो सकता है पांच सवाल तक वो झटका ही ना लगाए. इतना अच्छा दोस्त है क्यों लगाएगा झटका? ये तो बहाने बहाने से लगाएगा झटका. सवाल के बगैर उसको भाई वो एंजॉय कर रहा है. कहेगा नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं हूं. जब कैसा होगा? मैं कह रही हूं दोस्तों को जो पेन इंफ्लिक्ट करने का मजा आता है. हां, यू हार्डली गेट द सारी जिंदगी के दुख हम पे निकालने. ठीक है जी, लेट मी थिंक ऑफ ऑल द बैड थिंग्स शी हैज एवर डन टू मी. कुछ भी नहीं किया. अच्छा, अल्लाह की गाय हूं मैं तो. चलिए जी, ठीक है जी. मंशा को लोगों की इस बात पे बहुत हंसी आती है. इस बात पे हंसी आती है खुद भी नहीं पता. किस बात पे हंसी आती है? That I'm a very good actor. है? फजूल, फजूल, हो रहा है कुछ? चला कितना सब पकड़. I think I deserve it after this. Yes. Okay. क्यों? इस बात पे मुझे हंसी क्यों आएगी? वो यकीन करती है तो दूसरों पे हंसी आएगी. वो यकीन करती है तो मंशा. अच्छा, कि वो कहते हैं दूसरे नहीं किस बात पे हंसते हैं जब मंशा ये कहती है? I said I'm a good actor. मंशा को किस I find it funny when other people say that they're a good actor and they're not. That? Yeah. No, I don't even find that funny. I'm like, fine. Okay, now Mansha. Mansha as Noor Hassan. No, log Noor se isliye baat nahi karte kyunki. Yani jab kisi ne baat nahi kari to wo isliye soch ke baat nahi karte kyunki. Unko lagta hai ki. Interesting. Ki. क्यों नूरी से तो हर कोई बात करता है. शायद इसलिए बात नहीं करते को उनको लगता होगा कि he's like in his phone, in his zone, तो फिर उसको disturb नहीं करते होंगे इस वजह से. Actually, yeah, borderline true. हाँ, अपने phone में होगा ये ज़्यादातर. set पे अपने phone में अपने headphones लगा के बैठा होता है तो
ये इसका ये हर वक्त हेडफोन पहन के बैठते हैं. As you said कि मैं बड़ा क्वाइट लगता हूं. A lot of people think that I have an attitude problem. मैं रूड हूं. और मैं बिल्कुल भी नहीं है. बट कई लोग क्वाइट होते भी तो इसमें क्या कोई अजीब. I don't know but they think तो लोगों को जरा है ना हमारे पाकिस्तान में लोगों को चुप लोग नहीं समझ आते. उनको लगता है या बातूनी है या खड़ूस है. उसके बीच में कुछ नहीं है. यानी ये जरूर हमने मुंह नहीं लगाना चाह रहा जो बात नहीं कर रहा. जो बात नहीं करता इसका मतलब है हाँ मगरूर है. अगर बात नहीं कर रहा तो मगरूर है. चलो नेक्स्ट. ठीक है जी. नूर हसन. नहीं मैं नहीं कर सकती ये. प्लीज यार यार मैं शादीशुदा औरत हूँ ऐसे तो मत करो मेरे साथ. चले इस बात का क्या मतलब. ऐसे ही अच्छा मैं अच्छी इंसान हूँ ऐसा मत करे मेरे साथ. अच्छा मंशा के नजदीक. मंशा के नजदीक सबसे बुरा इंसान ये होगा जिसमें ये वाली आदत होगी. An unkind person. Unkind person. That's very true. बिल्कुल सही. Very true. Very true. ठीक है. नूर हसन का सबसे बड़ा खौफ क्या है. नूर हसन को रॉबरी से बहुत डर लगता है. He's very scared of getting robbed. Like I think he's been robbed. He has been robbed. एक साल में चार दफा. एक साल में चार दफा हो चुका है. And every time I would think, ah, चलो अब तो मेरी बारी हो गई. अब नहीं होगा. And then 2 days later again. So yeah. He's very scared because इस्लामाबादी भी है ना. हम जैसे लोग. मेरा पहला फोन जो अम्मी के बाद मंशा को बजाता है. हम लोग नहीं तो छोड़ के जा रहे हैं शहर. I don't want to live here anymore. नहीं, because he's इस्लामाबादी. He's used to that sense of safety, whereas we in our comparatively भाई कोई मैं झूठी बात मैं झूठी बात नहीं कह रही. आप अखबारें खोल के देख लें यू नो. तो एक कंपैरेटिव यहां पे पॉपुलेशन भी ज्यादा है तो बहुत सारे वजूहात हैं. तो वो मोबाइल वाली गई. मोबाइल गया चीजें गई है ना वो वाली. हां ही इज स्कैर्ड ऑफ गेटिंग रॉब्ड. आई एम सो ड्रामा होता काफी लेकिन हां इट इज स्कैरी. ठीक है जी. मंशा जब नाराज हो जाती है तो मनाने में पहल करती है. मतलब मैं खुद मंशा जब नाराज हो जाती किसी से हाँ. तो इनिशिएट कर करती है हाँ. अगर अपनी गलती हाँ, नहीं भी होती हाँ. अपनी गलती नहीं भी है शी वुड इनिशिएट. अपने शौहर के साथ नहीं करती बाकी सबसे. शौहर बेचारे क्या कसूर है जब बाकी के साथ उसके साथ भी उसको बना लिया करो पहले यार. नहीं अगर उनसे नाराज होती हूँ तो एक्सपेक्टेशन अलग होती है. हाँ उनके हा? साथ वो मनाते हैं लेकिन फिर मैं थोड़ा सा टाइम लेके सही हो जाती हूँ. लंबा नहीं खींचती वो चार 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 समथिंग स्पाइसी. अच्छा चलो हाँ स्पाइसी हाँ. आई वांट टू यूज दिस. क्या है. अच्छा हाँ फिर. नूर हसन का इंडस्ट्री में क्रश. इंटेलेक्चुअल क्रश हो सकता है नूरी का किसी पे. इंटेलेक्चुअल क्रश किस पे होगा. किसी डायरेक्टर पे ही होगा या किसी बहुत अच्छे एक्टर पे होगा. आई थिंक नूर हसन का इसी इंडस्ट्री में क्रश. नूर हसन को बाहर के जैसे वो साउथ इंडियन और तमिल फिल्मों के जो सॉन्ग्स होते हैं और डांसर्स होते हैं ना उन पे बहुत क्रश होता है. वो अपने कमरे मुझे बिठा के कहता है ये देखो मैं ना जबान समझ में आ रही है ना कुछ समझ में आ रही है. इस शॉट्स देखो ये देखो वो देखो वो इसको बड़ा होता है. इसको इंटेलेक्चुअल क्रशेस लगाएंगे तुझे इतना अच्छी तरह जानते हैं एक दूसरे को कोई झटका नहीं लगने वाला. ठीक है. मंशा का दोस्त बनना है तो आपको क्या करना चाहिए. दो तुम सियासी जवाब दो सारे. उसको एक अच्छा इंसान होना चाहिए. नहीं, वो तो मुझे पता है. नहीं वो ये she is not about that. इंटेलेक्चुअल होना चाहिए. If she यार can, इतना if she भी नहीं है. अब नहीं है यार. अब यानी कि कोई इंटेलेक्चुअल से क्या मतलब. ये क्या होता है इंटेलेक्चुअल का मतलब. मैं इतनी बड़ी स्नॉब हूँ. नहीं मैं स्नॉब हूँ. मैं उनसे बात नहीं कर सकती. Proof of pudding is in the eating. Tell me the name of one friend who's dumb. नूर हसन. नूर हसन रखो इसमें हाथ. Very good. रखो लगाओ. ये क्या बात हुई. ये क्या बात. Okay. कोई तुम्हें नहीं लगाए सही से. तुमने नहीं लगाए कोई फेक एक्टिंग नहीं. मंशा ने कोई मतलब सिर्फ पीएचडी देख के दोस्तियां करती है. देखो आइंस्टाइन की रात होगा तो एक ऑर्डिनरी आदमी एक कम पढ़ा लिखा कोई काम सही ऐसी कोई बात नहीं है. मैं कोई इंटेलेक्चुअल. I think to be a good person, I need to, in order to be a good friend, to sorry. To connect with someone. No, I think you can connect with different people on different levels. I think you need to go through something. But that's how I saw someone. Together. Sorry. I think aapko kisi. I had to be on a certain level to be friends with Mansha, so that's how I see it. वैसे generally मैं मुझे ये होता है कि लोग genuine हो. हाँ. वो जिस मर्जी class, जिस मर्जी जगह से कहाँ से नहीं इतनी कोई intellectuals ना तो पढ़ा के जगह लेके कुछ भी हो. बस मैं अपने घर में सबसे कम पढ़ी लिखी इंसान हूँ. Intellect का
class se, society se taluk nahi hai. They're not educated enough. They're not educated enough. I don't think they need to be intellectual. In fact, sometimes intellectualism bahut annoying ho jati hai. Theek hai? Overly zyada hai Einstein ki aulaad. You're right. She's right. बिल्कुल सही है. इस पे तो तीन चार झट. सुनो सुनो, तुम इस वाले पे हाथ लगाओ. मंशा इस पे चार झटके बनते थे. ये तो लगी नहीं तुम्हें. It's your turn. क्यों मेरी टर्न है? इसको लगी नहीं रहा झटका. तुम सही पे सही से हाथ रखो. Decide. हाथ सही वाले सही वाले पे नहीं रखा इसने. इसने नहीं रखा है. इसको फेक एक्टिंग कर रहा है. एसन इज सच. सही वाली रखो. रखो हमें लड़ाई करा रहे. तुम इस पे रखो, मेरा इस पे रख भी करा है. तो मुझे मेरे कंट्रोल मेरे हाथ में है. मंशा इंटेलेक्चुअल आंसर बिल्कुल सही कह रही थी. शी डजंट नीड टू बी इंटेलेक्चुअली. अब मुझे समझ आया. सॉरी आई टेक इट बैक. ओके ठीक है. मेरे शो की वजह से एटलीस्ट ज्यादा जान रहे एक दूसरे को है. ठीक है, हम लूज कर रहे हैं जितना हमने एक दूसरे को जाना था. नूर हसन को एक बार सेट पे इस बात पे बहुत गुस्सा आ गया था. बदतमीजी पे. ओहो क्या बदतमीजी. बता दो आप. Do you want to go there? मैं why would I? Right? मुझ पे गुस्सा आया था. नहीं फिर याद है हमारा एक्सट्रीम एंगल का स्पेल आया था ऑन द सेम प्रोजेक्ट. क्यों मुझे मेरी मेमोरी बहुत खराब है. अच्छा, बता दो जल्दी से. So basically मुझे एक दफा नहीं लेकिन answer, you have to answer it ना. मैं इसको explain कर दूंगा बाद में. बदतमीजी पे था. ओके मैम मुझे याद कराओ. अच्छा मैं कराता हूँ, पहले बताओ. बदतमीजी पे ही होता है. बदतमीजी पे नहीं होता मेरे. हाँ करो. सॉरी क्या डर लग रहा है. बहुत झटका लगेगा. वो कह रहे नहीं जवाब गलत है. मंशा झटका हल्का सा. ये नहीं कर रहा मैं. कैसे लोग होगी. मंशा फेर गए. लगा था नूरी. नहीं था. अच्छा लग गया लग गया लग गया लग गया लग गया. कसम मैं नहीं करूंगा शो को हिट कराने के लिए अपने दोस्त को हर्ट. आई एम विद यू. मेरा शो वैसे हिट नहीं. आई एम नॉट गोइंग टू हर्ट. नहीं कसम पर मुझे लगा था. मुझे पहली दर्द लगा होगा. वो सच बोल रही है. वैसे मैं सच बोल रही हूं. मुझे लगा था. हालांकि मैंने शक्ल से पता लगा था. आई डिडंट इवन प्रेस इट. बट हाउ डिड इट हैपन. भाई उसके अर्थ उसके अंदर भी होगी ना थोड़ी बहुत. अरे अब कहानी नहीं सुना रही है क्या. बात भी पहले एक्टर एंड सीनियर एक्टर एंड आई स्टिल रिमेम्बर वी वर सपोज टू शूट फॉर द प्रमोशन. अच्छा. एंड मुझे अभी भी तक याद है कि एहसन खान ऑफकोर्स प्रेफरेंस ये थी कि इन लोगों के शॉट्स पहले जल्दी जल्दी हो जाए. एंड देन बाद में हम इन लोगों को शूट कर लेंगे. आई वाज लाइक यार एज एन एक्टर हर बंदा इक्वली वे करना चाहिए था. आई स्टिल रिमेंबर आई वाज एंग्री एट दैट. अच्छा मुझे ये बिल्कुल याद नहीं है. जब हमारे सेट पे मेरे पास कोई सीनियर आता है और अगर एक कुर्सी हो तो मैं उसको वो कुर्सी देता हूँ और मेरा कोई सीनियर आता है तो मैं चाहता हूँ कि पहले उनका शॉर्ट और सीन हो जाए. वो है और एज भी और भी नाम मैं लेना चाहता हूँ. तो मुझे ऐसे लगा कि इनकी तरफ पंखे के डायरेक्शन क्यों नहीं है. सो आई हैड टू गेट इट कट एंड आई टोल्ड द गाय टू ब्रिंग द फैन एंड पुट इट यू नो. सो ये चीजें मुझे. हाउ डू यू फील. सो ये तो आप अपनी पर्सनल इंडिविजुअल रिस्पेक्ट की बात करें. बट व्हाट इफ यू फील द एंटायर प्रोडक्शन इज गिविंग प्रेफरेंस टू one actor. बुरा लगेगा ऐसा. ये तो naturally करो जरा इधर आओ. unfair. आजा तुम्हारा मगर नहीं खेलना ये. झूठ बोले करेंगे. don't play this posture. खेल ही नहीं रहा ये. अरे चलो. alright. नहीं अच्छा है ये भी करेंगे कभी. मैं कभी तुम्हें हॉट सीट पे डाल के ना 58th episode करेंगे ना उसमें मैं झटके खाऊंगा खुद. ठीक है जी. okay. morning show में ना जाने की वजह और घबराने की वजह यह है नूर की. नूर की
कैसी बातें करेंगे, क्या करवाएंगे, मतलब वो पता नहीं, मतलब मैं कर सकूंगा नहीं कर सकूंगा, क्या ऑडियंस सुबह को इतना उठना पड़ेगा, यू नो इज इट वर्थ इट, ऑल दोस थिंग्स कंबाइंड. सुबह को उठना पड़ेगा इज द थिंग कि यू नो इट्स नॉट वर्थ इट कि आप सुबह को इतना जल्दी उठो एंड यू नो थिंग्स लाइक दैट, क्योंकि 6 बजे उठना पड़ता है यार. ओके, बट ड्रामो की प्रमोशन भी तो जाना पड़ता है, उसके लिए भी नहीं जाता, बहुत कम जाता है. ठीक है, इट्स ओनली द मॉर्निंग शोस. हां, आई नो नूरी बेटर देन ही नोस मी. ठीक है जी, सुबह अगर उठे, ये मैं मंशा के लिए, मैं सुबह उठूं और अगर मैं आमना इलियास होती तो मैं क्या करती? अगर मैं सुबह, मैं सोचती कि आज मुझे किस, ये मुझसे पूछा है. अच्छा, ये कि मैं अगर मैं मंशा बादशाह, गेम अभी समझ नहीं आई है. हाँ, समझ आ गई. I have to be you. अच्छा चलो बताओ. तो मैं दोबारा सो जाती. ये क्या बात हुई, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, रखो इस पे हाथ. क्यों, कौन सी, ये तुम्हारा वाला है, ये तुम्हारा वाला है. सॉरी, नूरी हाथ रखो. सीरियसली? अच्छा, ये किस बात पे झटका लगाया वैसे बेचारे को? ये है, मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचती कि मैं आमना इलियास हूं तो मैं उठती तो मैं सो जाती. सो दैट आई वेक अप अगेन एज मंशा. इट्स मोर लाइकली आई वुड डू दैट एज मंशा, बिकॉज़ आई एम सो लेजी. लेकिन अगर मैं आमना इलियास होती, मैं सोचती आज जो मैं वीडियो बनाऊंगी वो कौन से मजे के टॉपिक पे बनाऊंगी. बहुत मजे के वीडियोज बनाती है. मैं आज उसका देख भी रही थी, एक जो उसने बताया था, बनाया था इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बेटा, इट वॉज वेरी क्यूट. ओके, अगर मैं सुबह उठूं, अगर मैं सुबह उठूं और मैं इमरान अब्बास हूं, तो मैं क्या करूंगा? मैं सोचूंगा कि मैं इमरान अब्बास होता तो मैं क्या करता. एक नात, नात का नात, नाते सुनाते हैं ना वो, या कुछ गाना भी सुनाते हैं वो, ऐसी कोई वीडियो बना लेता. और क्या करता? करन, तो मतलब, करन के पास हाथ ही नहीं लेके जा रहे. रॉन्ग. रॉन्ग क्यों है? मैं बताता हूँ. लगाओ, अब आप तो पहले, मंशा, पहले, अब तो झटका खाना पड़ेगा यार. मंशा, तुम गाना नहीं गाते ना, वो गाना गाते हैं. अच्छा चलो, अच्छा चलो, हरी अप. अच्छा, हो गया. I don't get. अच्छा चलो, अच्छा चलो, sorry, मैं कर रही हूँ. नहीं टच और. यार क्या है ऐसा? चलो आ गया, हो गया. थैंक गॉड, गुड लॉर्ड. पैसे हमने बहुत हलाल किए हैं. यू ट्राइड योर लेवल बेस्ट. बहुत हलाल किए हैं हमने अपने पैसे. इसी के साथ आप नेक्स्ट गेम की जा रहे हैं, क्योंकि मंशा को गेम खेलना बहुत पसंद है. ये गेम था, ये टॉर्चर था, कोई गेम नहीं होता ऐसा. हम ऐसे ही करते हैं. अच्छा चलो, मुझे नहीं पता था कि ये एक्चुअली होता है. प्यार का टॉर्चर है मंशा, प्यार का टॉर्चर. चले, ये टॉर्चर ही टॉर्चर है बस. डू यू गेट दिस व्हाट आई जस्ट सेड? प्यार का टॉर्चर किसी मूवी का लाइन है ना? ऐसे ही बोल रहा है यार. ठीक है जनाब, अगली गेम की जाने बढ़ेंगे. हमारे साथ रहिए, छोटा सा ब्रेक लेंगे, देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान. Now welcome back to Time Out with Ehsan Khan. और हम segment में है तीखा सच, और ये बहुत ही तीखा किस्म का सच है. मंशा ने तो पहले ही खाना शुरू कर दिया कि मंशा को भूख लगी हुई है. हाँ, मुझे थोड़ी सी भूख थी, लेकिन ये था, ये ज़्यादा तीखा, ये तो ये वैसे इसकी सॉस सुनो, इसकी क्या यार ऐसा जबरदस्त आपको खाना, तबियत खराब करने के लिए आ रहे हैं. ये वाला क्या? Not this one. This one. देखने में लीथल लग रही है. ये? Oh my God! Not happening. वैसे आजकल लाल मिर्चें अच्छी नहीं आ रही. नहीं अच्छी आती? क्यों मंशा? नहीं. बस. सही नहीं आती. मंशा क्या वजह? Why मंशा के साथ discrimination क्यों हो रहा है? ये लो यार. ये लो यार. इतना discrimination आप नहीं करेंगे ऐसे. मैंने कहा मंशा को ज्यादा मिर्ची लग जाएगी. पहला सवाल मंशा से करेंगे, जो मंशा खाते हुए जवाब देंगी, वो ये है. एक ट्वीट में कहीं पे ये बोला, और यकीनन वो तीन लड़कियों की तरफ इशारा था, कि इंडस्ट्री में लड़कियों को दे शुड लर्न टू स्पीक
तो वो तीन खवातीन की स्टेटमेंट को भी कोट किया था. सो वो क्या था? व्हाट वाज इट एंड व्हाई वाज इट? उस वक्त जो मुझे लगा वो मैंने कहा. और बाद में आई मीन क्लियर आउट भी हो गई वो बात. ओह माय गॉड, दिस इज सो स्पाइसी. एक सेकंड. ठीक है. हाँ, बट वो मुझे उस वक्त फील हुआ, मैंने कह दिया, बस यही था. लेकिन ये कभी अभी ऐसा चीज कहते हुए यू थिंक कि मैंने उस वक्त कह दिया? यार, अब लोग इतनी बातें कह देते हैं कि अब मुझे लगता है कि बंदा कहाँ शुरू करे कहाँ खत्म करे. तो अब मैं कुछ नहीं कहती, अब मैं कहती हूँ हाँ सही है, ठीक है. बट हाँ, जब मुझे फील होता है कि कोई ऐसी बात है जिसपे मुझे फील होता है कि आई रियली वांट टू से समथिंग, तो हाँ मैं कह देती हूँ. ऐसा कुछ नहीं, बिकॉज़ दैट वाज फॉर सदफ कवल हिरामानी एंड मोमिना मुसैसन, एम आई राइट? इन तीनों के लिए था वो कमेंट. ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे. नूर खान आया. अर्तुरल का एक कैरेक्टर है और कोई एक पिक्चर लगाई थी नूर ने अपनी, और सब लोगों ने कहा था कि ये अपने आप को पाकिस्तान का तुर्गुत अल्प समझ रहा है. ऐसा था? ऐसा हुआ था? व्हाट वाज दैट? क्या पिक्चर में कुछ उस जैसे मेरे बाल बहुत बड़े-बड़े थे यहां तक, शोल्डर लेंथ. ओके. और मैंने भी पोनी बनाई हुई थी एंड आई डिड नॉट मेक इट. मेरे फैंस जो हैं तो उन लोगों ने वो सर्कुलेट करना शुरू किया मेरे साथ और उसके साथ साइड बाय साइड पिक्चर्स. सो वो जो एक तस्वीर का कंपैरिजन इतना रियल था, इवन फॉर 2 सेकंड्स आई वाज लाइक वो. That's pretty close. So yes. I hope you didn't ruin your clothes. I really hope that I didn't. Did. Also, itni sauce thopenge to yehi hoga na. Ud gaya ab apne usse aur laga bhi hai thoda sa mujhe lagta hai. But ye mancha ki trick hai khana na khane ki. Agar ki gira do mirch lag rahi thi slip le kiye ja rahi hai taki khana na pade. Gira do na. Okay ji. मंशा एक इंडियन एक्ट्रेस, ऑफ कोर्स को आपने जवाब दिया था, फिर उसकी बहन ने आपसे कहा कि आप अपनी कंट्री के साथ ऑनेस्ट हैं एंड दिस एंड दैट. हां, किसको? हां, कंगना. हां, तो क्या था ये, क्या हुआ था? कुछ नहीं, अजीब सन की औरत है वो तो. नहीं, काफी उन्होंने कुछ कहा. क्या, मुझे तो अब याद ही नहीं, आपके पास लिखा हुआ होगा. व्हाट नहीं लिखी हुई? आई थिंक शी सेड समथिंग ऑब्वियसली बिकॉज़ शी इज ऑब्सेस्ड विद पाकिस्तान. तो उन्होंने कुछ ऐसे कहा, मैंने कुछ कहा, तो उन्होंने आगे से कहा कि मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि आप पाकिस्तान की इज्जत करती हैं एंड यू स्टैंड अप फॉर योर कंट्री, लेकिन जो हमारे यहाँ के लोग हैं वो ऐसा नहीं करते, ब्ला 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 ऐसे करके कुछ. तो बस यही बात थी. बट शी इज कंगना, सो आई मीन आई डोंट नो. ओके नूर. Yes, Nur sir. Is enjoying the food. Yeah. I'm noticing he's enjoying the food. यार ये देखिए, ये सालन है, ये सालन बन गया है सॉस और उसका मिक्सचर मेरे हाथ में. नूर इंडस्ट्री में नूर के दो स्कैंडल्स तो लाजमी बने हैं. क्या आप ये समझते हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं थी? ये दो स्कैंडल्स बने हैं. आई डोंट नो, डिपेंडिंग ऑन द स्कैंडल. जो मेजरली हमने सुने हैं, क्या स्कैंडल बना है नूरी, मुझे भी बताओ. नो आइडिया. बहुत से स्कैंडल्स बने, आई डोंट नो उनमें से दो कौन से. सबसे फेमस स्कैंडल क्या है? किस तरह मेरी सनम चौधरी के साथ शादी हो गई. ये स्कैंडल तो नहीं हुआ? स्कैंडल ही स्कैंडल है. शादी हुई भी है? नहीं, लेकिन अच्छा मिर्ची मतलब और क्या बोलेंगे इसको मंशा? चलो हां, मंशा एलैबोरेट. रूमर बोलेंगे? रूमर. अच्छा ठीक. स्कैंडल तो वो होता है कि ऐसी कोई चीज पीछे होती है और वो फिर फट के आ जाती है ना. तो फिर ये कह रहे हैं कुछ है, दैट्स अ स्कैंडल के मतलब. वी वर रियली गुड फ्रेंड्स एंड वी स्टिल. किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है वो होता है स्कैंडल, जब वो बाहर निकल के आती है बात. ये स्कैंडल तो नहीं है. नॉट रियली मंशा, शी मेड इट अप. और दूसरा कौन सा बहुत मशहूर कोई ऐसी बात हुई थी, रूमर कह लो स्कैंडल कह लो कुछ भी? आई डोंट नो. Okay, Ji Mansha, a person was not answerable. A person is not answerable or responsible for the beliefs and opinions of their colleagues or bosses. It's the same as asking an actor to stop working with the or condemn the opinions of someone in the industry. ये पूरा एक tweet किया था, एक पूरा message डाला था इंस्टा पे. ये क्या था, इसके पीछे क्या हकायक हैं, जरा ये बता दो. यार in general था ये, but मतलब मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है. This was, I think, in reference to Khaleelur Rahman Kamar. और आपने भी उनके साथ एहसन काम किया होगा, because you know you've been in the industry for so long. इन्होंने भी किया होगा, मैंने भी किया. और मुझे लगता है कि ये बात गलत है अगर कोई कहता है कि उनको नहीं पता कि उनकी क्या सोच है. मुझे लगता है कि जो भी उनके opinions हैं वो इंडस्ट्री की हद तक तो लोगों को पता ही होंगे, आई थिंक.
But obviously news अगर उनको platform दे रहा है तो he is going to say what he wants to say whether I believe it's right whether you believe it's right. I don't think अब इस पर आपकी क्या राय है मेरी क्या राय है मुझे लगता है कि आपके ज़ाती जो भी इख्तलाफात हैं और अगर उसके बाद आप उस इंसान से काम करना चाहें नहीं करना चाहें वो एक अलग चीज़ है वो हर बंदे की एक पर्सनल चॉइस होती है लेकिन मैंने उस हवाले से कहा था कि मैं इन जनरल ये बिलीव करती हूँ कि काम के वक्त एक अलग आपका होनी चाहिए सोच और ज़ाती हद तक आपकी अलग होनी चाहिए आप ज़ाती ज़िंदगी में हाँ आप ज़ाती ज़िंदगी में ऐसे लोगों के साथ बैठना चाहेंगे जो ज़रा आप उनके साथ आपके आपके वैल्यूज़ हाँ आपके वैल्यूज़ सेम हो लेकिन काम के वक्त तो आप ये नहीं सोचते ना आप अपने जो घर लोगों को आप एम्प्लॉय भी करते हैं तो आप ये तो नहीं सोचते कि इसकी क्या सोच है आप उनको इस चीज़ का कभी पता ही नहीं चलता कितनी देर की किसी क्या एग्जैक्टली अंदर से कोई क्या है कोई किसकी किसकी क्या गारंटी ले सकता है दैट्स वन थिंग आई रियली लाइक अबाउट गोइंग टू वर्क बिकॉज़ इतने डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट के लोग आए हुए होते हैं और जस्ट टू नो कि वो क्या सोचते हैं और क्यों सोचते हैं इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस आल्सो आई एंडर्स देम कभी कभार लोगों को ऐसा लगता है कि वो आर्गुमेंटेटिव हो रहा है लेकिन होता नहीं है एंड आई एम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन पीपल कि वो व्हाई आर दे वैसे हमारी जॉब इसलिए भी इंटरेस्टिंग ज्यादा कि वरना सब बहुत से लोगों की जॉब बहुत मोनोटोनस होती है हर रोज एक ही शक्ल एक ही चेहरे एक ही लोग एक ही तरह का और लोगों ने इस चीज को आई थिंक ये गलत समझा था कि मैं किसी को डिफेंड कर रही हूँ कि मैं उनकी वैल्यू सिस्टम से अग्री करती हूँ या डिसएग्री करती हूँ या जो उन्होंने एक्चुअली सोचा था कि मैं डिफेंड कर रही हूँ जो कि आई मीन दैट्स या आपकी सोच है दैट्स अप टू यू अगर आपको ये सोचना है कि मैं बट व्हाट आई हैड एक्चुअली मेंट टू से वाज कि जब आप किसी के साथ काम करते हैं और जो ये लोग देख रहे हैं वो भी जब अपने सोचेंगे अपने बॉसेस या अपने कॉलीग्स के बारे में उनको यही आएगा दिमाग में कि यार यू डोंट गेट टू चूज हाउ यू वर्क विद एंड वॉट देयर बिलीव्स आर एंड बिलीव्स भी एक ऐसी चीज़ होती है जो कि बहुत अरसे से चेंज हो जाती है अब खलील साहब ने अभी कुछ इंटरव्यू में कहा था कि आई थिंक द फेमिनिस्ट आर राइट मुझे उनकी बात पर अग्री कर देना चाहिए कि हमारे साथ और ये भी एक प्रोग्रेस है एंड आई होप कि वो इस बात पर जो है वो कायम रहे कि जो हमारे साथ यहाँ पे पाकिस्तान में हो रहा है आदमी और उनको पता है कि कहाँ पे वाकईतन गलत हो रहा है और कहाँ पे टाइम्स नहीं इस बात पर तो मैं कुछ नहीं कह सकती लेकिन आप एक जो एक परसीव चीज कर लेते सारी जिंदगी उसी पे तो नहीं रुके रहते ना बिलीफ सिस्टम भी आपका टर्न बैक एंड देन सो दिस इज हाउ लाइफ इज आपके एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ थिंग्स आल्सो एट द सेम टाइम और मे बी नॉट ठीक है जी नूर खा लिया बहुत सीरियसली मैंने मैंने देखे खा के जवाब देना है मंशा ने सही खा अच्छा बताओ और मैंने गिराया भी है लास्ट रह गए लास्ट है अब तो ही सो वांट्स इट ओवर दिस सेगमेंट ओके जी सवाल ये है कि मैंने कम अज कम तीन मरतबा सिर्फ और सिर्फ कास्ट या डायरेक्टर की वजह से ये प्रोजेक्ट मना किया कोई प्रोजेक्ट कम अज कम तीन मरतबा कि जब कास्ट कंफर्टेबल नहीं है या डायरेक्टर कंफर्टेबल नहीं है पहले नहीं करता था बट अ फ्यूचर प्लान्स है हुआ नहीं है ये ओके प्रैक्टिकली शायद वंस मे बी आई डोंट रिमेम्बर बट नाउ आई एम कमिंग टू अ पॉइंट बिकॉज आप इंडस्ट्री में बहुत से लोगों को जानना शुरू हो जाते हैं और आपको समझ आ जाना शुरू होती है एंड देन ऑल्सो पता क्या कहने में एक प्रोजेक्ट सिर्फ एक प्रोजेक्ट लगता है बट अब जिस तरीके से हम लोग काम एलैबोरेट करते हैं वो आपका इजीली 5-6-7 महीने तक भी जाता है सो आई फील कि इफ आई एम नॉट कनेक्टिंग विद पीपल मैं अपनी जिंदगी के साथ सात महीने जो है एटलीस्ट वो लोग अच्छे तो हो ना आपके साथ आपका जो भी थोड़ा बहुत इन डेप्थ रिलेशनशिप होना की जरूरत है लेकिन म्यूचुअल रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए वेरी इंपॉर्टेंट एंड जो मैंने भी आपसे बात की थी आई जेन्युइनली एम ओपन टू पीपल आई एम इंटरेस्टेड इन व्हाट यू थिंक नूर इज अ रियली टॉलरेंट पर्सन बाय द वे मैं बहुत टॉलरेंट मैं एक्चुअली सुनना चाह रहा था बट व्हेन आई साइन अ प्रोजेक्ट आई हैव टू सी कि मेरे साथ कौन है और मैं किन लोगों के बीच में रोज 8 महीने जाऊंगा मेरे लिए मैं बहुत जरूरी है और वो मैं ये नहीं कह रहा क्योंकि बहुत अजीम लोग हों you know, लेकिन नॉर्मल नॉर्मल लोग डिफरेंट पीपल आर डिफरेंट फेजेस ऑफ देयर लाइफ आर डिफरेंट मैंने ये भी देखा है मैं बड़ा स्ट्रिक्टली बिकॉज़ बीइंग इन दिस फील्ड फॉर मोर देन 15 इयर्स नाउ तो मैं काफी लोगों को जानता हूं और पता है आप और मैं एक ही एग्जैक्टली बात कर रहे हैं बट आई थिंक वो जो मैं आप और बात कर रहे हैं वो काम पे भी फर्क पड़ता है इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद समवन वो एक्टिंग में भी नजर आ रहा होता है वो सीन में रिफ्लेक्ट हो रहा होता है आपकी शक्ल पे आ रहा होता है कि यू आर नॉट कंफर्टेबल व्हेन यू इवन दोनों साथ होते हैं जब आप डायरेक्टर साहब बहुत कंफर्टेबल होते हैं आपकी एक्टिंग में तो खुल के सामने आती है ठीक है जी बड़े आगे मंशा और खाना है नहीं हो गया वी आर गुड टू गो यस नेक्स्ट गेम की जाने बढ़ेंगे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हमारे साथ रहिए और देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान
जनाब वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान। मंशा ने ट्रेजर बॉक्स पहले ही खोलने की कोशिश की है और मंशा का दिल बहुत कर रहा है कि बहुत कुछ पहनने को, लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा। ये सब कुछ आपको तोहफे में तब मिलेगा जब आप सवाल का जवाब सही नहीं दे पाएंगी, अर्न करना पड़ेगा उसे। और चूंकि हमें ये इंकशाफ आ चुका है कि आप माशाल्लाह सिर्फ इंटेलेक्चुअल लोगों से दोस्ती रखती हैं, आई बिलीव के मैं हर किस्म की रिस्पांसिबिलिटी से बरी हूं, जिम्मा हो चुका हूं। मैंने बताया अभी कि अपने घर में सबसे कम तालीम मैंने हासिल की है, तो जरा जो है ना इतना ज्यादा मुझे ना समझे आप लोग। बेसिक सवाल है, बेसिक सवाल। आर यू रेडी? यस। अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे या डिलेट जवाब हुआ या पहला वाला गलत हुआ या जो भी गलत पे, आपका नंबर चूज करना पड़ेगा, वो आपको तोहफा मिलेगा पहनने के लिए। पहला सवाल दिखाइए क्या है जी। पहला सवाल है द लार्जेस्ट प्लैनेट इज, ये तो ऐसे ही जवाब दे दें, जुपिटर, जुपिटर, सैटर्न, जुपिटर, सैटर्न, जुपिटर, सैटर्न, नूर सेट, जुपिटर, 110% सैटर्न। आई होप आई एम राइट। जुपिटर, जुपिटर इज बिगर आई थिंक। या यू आर राइट, जुपिटर, जुपिटर। सी नाउ मीनिंग यू हैव टू पिक वन। अच्छा ये भी करना है, यू हैव टू पिक। हां, डोंट टेक द फन अवे ना। कैन आई पिक फॉर हर? मैंने पिक करना था 8। अच्छा चलो करो, अगला वाला कर लेना। अगला वाला उसको यकीन हो गया कि मेरे सारे जवाब। कैन आई अनाउंस? कैन आई सी? ओह माय गॉड, ये मेरा सबसे ड्रेडेड था कि ये ना आए। क्या है? कैन आई शो इट टू पीपल? गंदा नाक टाइप होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, गंदा नाक टाइप होगा, मुझे पता था। इट्स दिस ईयर। आई न्यू इट गंदा नाक टाइप होगा। आई एम सो ग्लैड। You look pretty. I'm just doing a character in a fantasy world, and okay. Okay. Mancha, you're still my friend. Chessboard has how many squares? Hato side. 64. 64. I said it first. 64. मुझे नजर ही नहीं आ रहा था। I said it first. है, you guys are. Mancha. चलो तीन निकालो, तीन निकालो, सही है? इसको कुछ एक तो पहनने देना। हेलो लबर नंबर 3 होगा कुछ बहुत बुरा। माफ किया, माफ किया, माफ किया। ओह दैट्स अ गुड वन, ये कूल है। कैन आई नॉट वेयर द हैट विद इट दो? एक सुने, गेम का ये है कि जब एक नई चीज पहन रहे हैं तो पुरानी वाली उतार रहे हैं। इतना गंदा लगेगा ना पायरेट हैट के साथ। नहीं लगेगा। ये लगेगी लवली। नो वे दिस इज कॉल्ड बच्चे, कम ऑन। I like this one. Of course you. I don't want to wear it, but I like. You like? Woo-hoo! I can't breathe. Selfie time. Okay. Okay, see. Next question. Egypt. No, China. England. Okay. Noor said England. Mancha said China. The right answer is China. Actually, though, Egypt made paper first. Papyrus जो था वो Egypt पे बना था. Paper पहले बना होगा Egypt में, but currency पहले उनकी होगी. चलो सही है. चलें जी नूरी. Okay, this is a tricky one. अगर माफ की आया ना मैं seriously तोड़ दूँ. क्या है? कुछ बुरा ही होना चाहिए अगर माफ किया है ना। I love myself already. क्या है यार? I love it. माफ किया तो नहीं है ना? नहीं हो सकता माफ किया, नहीं हो सकता। Show it to me. Okay. नूरी तुम्हारे सारे बाल खराब होने वाले हैं। I know. I love it. Vengeance tastes sweet. I like it. Cool लग रहा है। Yeah. यार इसको सारी अच्छी अच्छी। I'm going to wear it properly now. हाँ सही से पहनो। हाँ। बाल खराब करो जरा आपके। Yeah, well, yeah, much better. Cute. You. Nice यार, cool. अच्छा चलो। इसको मुझे ये और इसको ये तो जाती है। साथ ले जाना ये।
ओके जी, अगला सवाल। द फेमस पेंटिंग मोनालिसा वॉज द क्रिएशन ऑफ लियोनार्डो डा विंची। हू सेड इट फर्स्ट? We said it together. No, I said it first. You said it louder. I said Leonardo and then you said Leonardo da Vinci. But dono ka sahi tha. Tie. Pehle unhone kaha kisi Mansha ne kaha hai pehle. Maine kaha hai. Pehle Mansha ne kaha hai. Sab keh rahe pehle Mansha ne kaha hai. Kisne kaha pehle? Recap. Mansha ne kisne kaha pehle? My team. Kisne kaha pehle? Yes. Har koi keh raha hai Mansha ne pehle kaha hai. Mansha, aapas mein decide karo pehle kisne kaha. Maine hi bola. Okay. Why don't you choose it for me? मेरे में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है एंड मैं ना सिर्फ चूज कर रहा हूँ। वेरी नाइस। कोई बॉल की बकवास। अच्छा हूँ मैं। दैट्स हाउ यू प्ले मंशा। नॉट बैड। क्या है? ओह आई ऑलवेज वांटेड टू गेट दोस। मैं तो नाक भी कर रहा हूँ। थैंक यू मंशा फॉर डूइंग दिस वर्क। प्लीज आई होप ये है। अब ये भी है अंदर ही। आई लाइक दीस। यार इसको सारी कूल चीजें। इसको सारी कूल चीजें मिल रही हैं। थैंक यू मंशा। I'm so glad I trusted you, Mansha. You're welcome. Thank you. Okay, ji. Next question. Dikhaiye. Hardest part of the human body is tooth enamel. Tooth enamel. Tooth enamel. Also, the thing that doesn't decompose. I said it first. Main extra facts de raha hu. Bilkul sahi hai. It doesn't decompose. Yeah, don't deviate. I'm giving extra facts. I said it first. I'm giving extra facts. Did I say it first? Yes. Who said it first? I said first. I just want to see the other options. I said it first. I just want to see. I said it first for sure. Who said it first? I said it first. I gave extra facts. And? Mansha ke baad uski naak mein muffle ho gayi thi isliye humne. Mujhe saans hi nahi aa rahi. Haan bas wo hai. Achha, good for COVID. To kaun number choose karke pehnega? Mansha. Koi bhi nahi pehnega. Hum dono maaf hai isme. Can I pick a number for Mansha? Kya? Pick a number for Mansha. Okay, fine. Okay. I choose Dandan. 7. Is it good? Bad? See? Now something better. Mansha se step bhi karwaye. With the nose. You have to perform. With the nose. Now ko truck hi nahi rahi hai. Gir rahi hai. Cool. Agla sawal. What is the name of the central part of the earth? Core. Equator. Core. Core. Mental. Mental. You said core. Maine pehle core bol diya tha. Mental is the second one. Crust. But the center part of the earth is the core. But like, if you're talking about, isn't the equator at the center? Well, you're talking about the central, the inside. The core. Are you sure? Yeah. और इसने कहा था कि मैं डम हूँ। This is why you were wrong. This is why. पहले जवाब किसने दिया था? मैंने यार, अब तो used to हो जाना चाहिए सबको। इसी नहीं था पहले। Can I pick a number for you? यार ये तो ज्यादा हो रही है। The boys against. Of course. Score. Number 5. This is what you want. Let her choose. This is what you want. Anything as long as I can take this off. I can't breathe anymore. Okay, you put it in your neck. Then it's okay. Okay, now. I don't know. 10? If it says nose again, I'm breaking cute something. Yaar. Now it complements the entire look. So cute. It complements the look. Angel! Pirate Angel. Ooh, I like this look.
You should play a character like that. Seriously. Yeah, आपका माइक भी गिर गया by the way, I think. नहीं सही. सही है. क्या गिर गया? मुझे लगा माइक भी गिर गया इसी चक्कर में. यहाँ से तो नहीं गिर गया. I wish you could perform right now, like a cabaret or something. Angel eyes. Okay. Eyes. The last question. Yeah. The first rocket launched by Pakistan was. Rahbar. Who said it first? I said it first. You both could be wrong. I'm so sorry. Wait, you both could be wrong. Wait. Who said it first? I said it first. He said it first, I guess. Okay, wait. What's it? गलत है तो फिर इसी का गलत है. It's just a fluke. मुझे पता नहीं था. एक मिनट. Rahbar, Ghori या Ghaznavi? I'll give you a chance again. Rahbar. I don't know. Did he say it first? He said it first. Oh my God! देखिए मैं यहाँ पे एक बात मैं admit करना चाहता हूँ. Throughout बाकी चीजें तो मुझे genuinely पता थी. My wings are getting in the way. And I'm not proud of it. मुझे facts पता होने चाहिए. Wear this ना यार. I have been wearing it. ठीक है, cool. Wear it just for the sake. Look at my wings. Okay, the point is कि मंशा को इतना ज़्यादा मंशा इतना कुछ पहन लिया. अब एक चीज तो पहन लेने में यार. Smart होने का नुकसान ही होता है. ये मतलब ये अच्छाई का दोस्ती में. देखिए angels के साथ आप argue नहीं कर सकते. दोस्ती में मंशा. दोस्ती में मंशा likes to play it fair. So मैं मंशा के लिए पिक करता हूँ. अरे अरे वो मेरे मेरे विंग्स के बाद हम कुछ नहीं कर सकते. नाइन एक ऐसन के लिए पहन लो. क्या मतलब हर चीज ही कूल है. एंड यू हैव टू पंच ऐसन नाउ. यू नो गोना पंच मी पंच हिम. मेरी मेरा ये भी आइडिया मेरा पहले था. ओके अब क्या हुआ बच्चा? अब एक इसको भी पहनाए ना. वो दोनों आपने पहन लिए. भाई क्या हो गया? लुक एट दिस. लुक एट मी. बेटर गाइस. क्या हो गया? एक चीज क्या हो गया? अच्छा 5 वो जो रखा है ना वो इसको पहनाएंगे. आई वांट टू सी दैट 5. यू गिव मी द चांस. आई पिक 5. 5 बोरिंग था ना इसलिए मैं चाहता 5. तो मैंने इसीलिए पिक किया. क्या है इसमें? ओए होए होए. Oh my God! They wanted me to do this. Cool way में ले रहे ना यार. Cool way में ले रहे हो. ग्लव्स पहने हुए. मंशा तो वेल डिजर्व्ड लग रही है ना. बट नूर ने तो फुल जॉब सेशन जो था ना अमेजिंग था. नूर का नूर इतना वो है ना सेल्फ लाइक सेल्फ लव इतना है कि उसको था मुझे कुछ पहनना ना पड़े. जल्दी से जवाब दे. बिल्कुल भी नहीं. जेन्युइनली ठीक है. जरा अगले सेगमेंट की जाने पड़ेंगे. ब्रेक लेते हैं. देखते रहिए टाइम आउट वर्ल्ड एसन खान. जरा वेलकम बैक. जीरो लाइज का हमारा सेगमेंट है आज. जीरो जजमेंट पे थी वो. जी हाँ, वैसे नहीं अभी म्यूजिक चलेगा दोबारा. नूर ने पहले ही प्रैक्टिस शुरू कर दी है. होगा ये मंशा के हमारे पास चार खाने बने हुए. जीरो लाइज, जीरो जजमेंट्स, जीरो रूल्स, जीरो बैड वाइब्स. आप जिस भी खाने पे रुक गए, यहाँ पे कदम जिस पे भी पड़ गए, उस सेगमेंट में से मैं लेकर सवाल करूंगा. यानी मेरे पास चार कार्ड्स हैं जिनमें इन चारों के अलग अलग सवाल हैं. आर यू रेडी फॉर दिस? आई डोंट नो. द वर्स्ट क्वेश्चन दैट यू गेट आर ऑन जीरो जजमेंट्स. अभी मैं हूं जिस पे ना. सो म्यूजिक हम शुरू करेंगे एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. म्यूजिक. लो बस रुक जा.
क्या हुआ? कहाँ पे? उतारो आंखों से, आंखों से उतारो, कहाँ पे हो? Zero lies. Zero lies. They planned it. They wanted you to. Zero lies. I can do it. सबसे पहला सवाल ये है कि कौन सी एक्ट्रेस में इन तीनों में से सबसे ज्यादा टैलेंट है? माहिरा खान, महविश हयात, सबा कमल. तीनों ही टैलेंटेड हैं. किस किस हवाले से? लाइक I mean, they're all talented. क्या मतलब किस हवाले से? मैं एक्टिंग के हवाले से बात कर रहा हूँ. एक्टिंग के हवाले से नहीं, क्योंकि और किसकी बात कर रहा हूँ मैं? एक्ट्रेसेस का नाम तो मैं नहीं, क्या? बहुत और चीजें होती हैं कि how they carry themselves, who's better. Acting, Mansha, acting. Okay. किसने सबसे ज्यादा वर्सेटाइल काम किया, राइट? तो फिर आप सबा कहेंगे. ठीक है, ओके. और कैरिंग देमसेल्व्स? आई थिंक महविश एंड माहिरा, लाइक दे स्पीक अब्रॉड अ लॉट, सो मैं उनके हवाले से ये कह सकती हूँ. उन्होंने बाहर जो इंटरव्यू. लवली. नेक्स्ट क्वेश्चन विद द आईपैड. अच्छा, इसकी बारी? नहीं, चार बारी नहीं, फिर उसकी बारी आएगी. क्या चाह रही हो? अब उसकी बारी ले लें. हाँ ना, टर्न बाय टर्न. टर्न बाय टर्न करेंगे. जैसे पूछा कि वैसे ही करेंगे. नूर की बारी. नूर, ऐसा दौड़ाऊंगी ना मैं. I know by now exactly where to go. Hello. I knew it. उतारिए जी आंखों से पट्टी. जिसने कभी बैड वाइब्स दी हो? हाँ, बताओ. इतना स्पेसिफिक क्यों है? मुझसे नाम क्यों पूछवा रहे हो? तो मैंने भी नाम. जिसने बैड वाइब दी हो, किस सेंस में? इलैबोरेट बैड वाइब्स. Could be a producer, could be director, कोई producer कभी check नहीं देते, कभी कुछ होता है, कभी क्या होता है. I'm not going to name an actor, but yes, a co-actor. ऐसा तो नहीं है. नहीं नहीं नहीं. Sir, एक second, मैं नाम नहीं ले रहा. मैं नाम है मियाँ. मैं नाम नहीं ले रहा. But वो जो आपने question किया था कि आप देखते हैं कि किन लोगों के साथ आपने काम करना या नहीं करना. So that person is on the list के अगर मुझे पता चले that that person is in that project. लड़की है या लड़का? Either I'll throw that person or you leave the project. Or I leave the project. लड़की है या लड़का? इतना तो बता दो, जेंडर बता दो, लड़की या लड़का. आपकी competitiveness ज़्यादा किससे होती है? लड़के से. आदमी. Boy, a newbie. Okay. A newbie. Not someone big, but you know, out of हमारे वो माइक्स. अच्छा, एक चीज है इसमें, ये भी कहते हैं, सॉरी मुझे ना बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होती. सो बैड वाइब, मैं ये कह रहा था, बैड वाइब जब आती किसी तो वो यही थोड़ी रूडनेस या थोड़ा इस तरह का एटीट्यूड बिहेवियर का इशू जिसको. और अगर मैं आपको आउटडू करने की कोशिश करूं और कॉल करूं चैनल पे कि इसका सीन कटाओ, मेरा लेकर आओ, आपसे मैं बदतमीजी करूं, लाउड हूं, कहूं कि मेरा सीन पहले करके जाओ, समझ आएगा? सो वो जो है ना, वो फिर आपसे नहीं बर्दाश्त होता. एंड देन आई डोंट अनएथिकल एंड आई डोंट एंगेज. इट्स अनएथिकल. तो मैं ये करता हूं कि टेक अ स्टेप बैक. ठीक है, ओके. जबरदस्त जी, आइए मंशा. आई गिव यू सम मटेरियल. आपकी मिर्चें मुझे अभी भी लग रही हैं. कम ऑन मंशा. अच्छा, गिराना मत. Where do you want me to stop it? पता नहीं. कौन सा मुझे याद नहीं. ज़्यादा मज़ेदार कौन सा? मुझे मुझे बहुत ही. मंशा दे. ओके, अब चेक करो. मंशा, यू आर नो जजमेंट्स. ओके जी, नो जजमेंट्स. अच्छा मंशा, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो खुद किया हो और उसके बाद बहुत पछताई हो, वो अपने प्रोजेक्ट से कौन सा था कि मैंने ये क्यों कर लिया? ऐसा कि जो मुझे लगा था चले थे साथ, जो मेरी फिल्म थी ना, आई थॉट इट कुड हैव बीन यू नो इवन बेटर. इवन बेटर आई फेल्ट कि जो है ना वो उसमें और ड्रामा नहीं, एग्जीक्यूशन उसकी बहुत अच्छी थी. आई थिंक हमने रियलाइज नहीं किया था कि उसमें और ड्रामा होता ना तो और मजीद अच्छी होती. तो आई फील कि उसके ड्रामेटिक पार्ट्स ना थोड़े कम ड्रामा थे. एंड आई फेल्ट लाइक दैट कुड हैव बीन एम्प्ड अप एंड देन द फिल्म, बिकॉज़ इट वाज अ गुड फिल्म, बट इट वुड हैव बीन अ रियली गुड फिल्म. अगर थोड़ी इमोशनल और थोड़ी ड्रामा, अगर इमोशन, हां, उसमें जो
It would have been more emotional. तो फिर वो ज़्यादा उसका आता flavour. वो ज़रा रह गया. Lovely, wonderful, wonderful. आइए जी, नूर. कितनी सच्ची हूँ मैं नूरी. I like the elaboration. अब नूरी, I will move you. You will not move. You will not move. I will move you. नूरी मत देखो. नहीं देख रहा. देख रहा. What? You will not move now. This is zero rules again. Zero rules again? नहीं, इससे पहले तो zero bad vibes था. अच्छा. अगर project करते हुए इन तीनों में से एक heroine choose करनी हो, okay. तो किसको choose करोगे? ठीक है. सनम चौधरी. Okay. किंजा हाशमी. Okay. या फिर सबूर अली. Even if not professionally, मुझे सनम के साथ वैसे सेट पे as friends बहुत मजा आता है and people love her chemistry. So definitely सनम. But then सबूर के साथ मेरा next project आ रहा है, so even if I say no, she's still with me, so yeah, I'll get to experience. I haven't worked with सबूर as yet. कंजा के साथ काम किया हुआ है, but I'm looking forward to work with her. लेकिन सनम for sure. Okay, lovely. तीन का है सनम. आए जी. मनशा, come on. ये कहां पे आ गई है? कहां हूं मैं? जीरो जजमेंट्स पे. सारे बाल मेरे खराब. इन लड़कियों को सजेशन देनी है और सीरियस सजेशन है. क्या दोगी? सबसे पहली लड़की है हिरा मानी. हिरा मानी कोई सजेशन नहीं दे सकती. मैं वो उससे मैं सजेशन ले सकती हूँ. ओके, ठीक है. नीलम मुनीर. यार वो भी बहुत प्रोफेशनल है, तो नीलम को मैं क्या कहूंगी? आई डोंट नो मैं क्या कहूंगी नीलम को. एहसन खान के अलावा किसी और के साथ भी काम कर लें, ये बोलूंगी मैं. जो कि अब वो करती है, लेकिन आपके साथ बहुत काम किया है नीलम ने. वैसे अभी भी कुछ कर रही है ना? बिल्कुल भी नहीं किया है एहसन. बिल्कुल भी नहीं एहसन. वो आपके साथ ज्यादा काम करती है और यू चूज टू वर्क विद हर मोर. आई लव वर्किंग विद नीलम. या दैट्स क्वाइट ऑब्वियस. आई लव वर्किंग विद हर. बस शी इज ऑन माय टॉप फेवरेट लिस्ट. बस saying it in front of you. ठीक है, I'm okay with that. करो यार. Yeah. लड़ाई करवाने की कोशिश कर रहे हमारी. ठीक है. हो गया. Very nice. Good. हालांकि नहीं किसी को सलाम मशवरा दिया, बस टाल दिया. लेकिन क्या मैंने बोला था? So safe. I thought I will play safe. Yeah. She's playing the safest. We have this kind of question for him also. Only if he comes in that. I will do it. मुझे बता दो, मैं खुद ही आ जाता हूँ. Zero judgment. I'm not going to move. Yes, but here. आ गया भैया. क्या? Oh, zero rules, zero judgment. Acting करनी है तुम्हें जरा. Zero judgment में इन तीन लोगों को मशवरा देना है. पहला मशवरा आप अगर देना चाहें इमरान अब्बास को क्या देंगे? Dude, you're gorgeous. And you just need to know that. Okay. Dusra mashwara aap Asfar Rehman ko dena chahenge to kya denge? Why my everything revolves around Imran and Asfar? But anyway, maybe they're your league ke actors. Asfar se main ye kehna chahunga that he works with similar people again and again. Like jaise wo Fahim bhai ke sath zyada kaam karta hai. Or there are certain people, so I would like to see him explore more and work with more people. So ज़्यादा अच्छा लगेगा. I think he's a great, great actor, and he should work with versatile people. Afan Vahid. Oh, he's a really nice guy. उसको मैं ये बताना चाहूँगा that he's a massive star, and he just need to wait for it. Okay. He's great. Okay. My suggestion is keep on doing what you're doing. क्या बात है यार, दोनों के लिए जोरदार तालियाँ. Guys, इतना मजा आया तुम दोनों से मिलके. बहुत अरसे बाद एक तो मुलाकात हुई. It was wonderful seeing you. It was wonderful having you on the show. Really enjoyed. जाते जाते अपने जो लोग follow करते हैं, मनशा, would you like to say something to them? बस अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और have fun. Okay, and Noor, what would you like to say to our people who follow you, who like you, watch you? First of all, I want to say
मुझे लग रहा था मैं शो करने के लिए जा रहा हूँ बट दिस फेल्ट लाइक मोर ऑफ अ जीटी एंड आई जेन्युइनली लाइक्ड इट एंड अपने जितने भी मेरे फैंस हैं उनसे मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ कि अपने दिल में थोड़ी सी काइंडनेस एक्सेप्टेंस एंड दिस इज नॉट आई एम नॉट ट्राइंग टू बी गुडी टू शू बट मैं जेन्युइनली एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन इवन समवन हु डजंट डिजर्व इट आप अपनी तरफ से उनको व्हाट ही सेड टॉलरेंस वी नीड वी रियली डू ठीक है और मंशा के दोस्त सिर्फ इंटेलेक्चुअल होते हैं नहीं मैं देख लिया आपने Just kidding. Okay, guys, आप लोग मुझे फीडबैक देंगे कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक नए सेलिब्रिटीज आपके मेरे फेवरेट जो लोग होंगे वो यहाँ पे मौजूद होंगे तब तक के लिए इजाजत दीजिए और देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान